मेले के रंग में रंगा यह इलाका। भेलपुरी भी है, शकरकंद भी है, सब कुछ है यहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय मैं आपको ले चल रही हूँ जालंधर में चल रहे 21वें गदरी बाबाओं के मेले में। यह मेला अपने आप में बहुत खास है क्योंकि इसमें अलग अलग रंग के लोग हैं, अलग अलग रंग के लोग हैं, लेकिन मकसद बिल्कुल एक है। यह मेला इस बार साम्राज्यवाद के खिलाफ है, फांसीवाद के खिलाफ है, देश में जो नफरती हुकूम चल रहा है उसके खिलाफ है। और यहाँ पर पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा से, लेकिन मुख्यतः पंजाब का जो अलग अलग कल्चरल स्वरूप है वह देखने को मिलता है। और बहुत ही खास इस मामले में है कि यह पूरी तरह से इंडिपेंडेंट लेफ्ट प्रोग्रेसिव सेक्शन का मेला है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो लंबी वाम धारा पंजाब में बही है उसने कल्चरल रूप क्या अख्तियार किया है। हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से गदर पार्टी का जो झंडा है उसके इर्द गिर्द जो प्रोग्राम होता है, झंडा फहराया जाता है, और जो एक ओपरा अलग ढंग से बनाया जाता है जिसमें आज का जो पूरा हुकूम चल रहा है, जो सरकार है, वह किस तरह से जन विरोधी है, इसे बहुत ही खूबसूरत ढंग से पिरोया जाता है। और एक अहम बात, यहाँ पर किताबों की भरमार है और लोग बताते हैं कि इन 3-4 दिनों में 18 से 20 लाख तक की किताबें लोग खरीदते हैं। जालंधर के छोटे से इस गदर पार्टी से जुड़े हुए जो मेमोरियल हॉल है, यहाँ पर यह हर साल मेला होता है और यह मेला बताता है कि रेजिस्टेंस, रिजिलियंस जिंदा है, प्रतिरोध जिंदा है और बहुत रंगों में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा है। आइए हमारे साथ देखिए बाबाओं का, गदरी बाबाओं का मेला। मैं बाबा साहब अंबेडकर जी के परिवार से आता हूँ। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि हम पहले हिंदू हैं, हम पहले मुसलमान हैं, हम पहले सिख हैं, हम पहले ईसाई हैं। ये भावना अपने आप में मत जगाओ, हम पहले भारतीय हैं और अंतिमता भी भारतीय है, ये भावना अपने आप में जगाओ। आज इस देश को हमारी जरूरत है। ये देश अगर आज हम नहीं बचा पाए, उसी 2500 सालों की गुलामी में फिर से हमारा देश चला जाएगा, उसी 2500 सालों की गुलामी में ये देश जाने वाला है। और इसलिए आज मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस मेले के माध्यम से मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। आज देखिए सामाजिक न्याय के स्तर पे इस देश की हालत कितनी खराब हो चुकी है। डॉक्टर नवशरण जी ने सारी बातें तो वो बता दी है। आज मनीषा वाल्मीकि, हमारे एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची का रेप होता है, उस रेप को भी रेप मानने को इस देश की व्यवस्था तैयार नहीं होती, रेप मानने को तैयार नहीं होती। उस बच्ची ने अगर मरते समय ये नहीं कहा होता कि मेरे ऊपर 4 लोगों ने बलात्कार किया है, तो ये आज भी साबित नहीं हो पाता कि मनीषा के ऊपर रेप हुआ था। डॉक्टरों ने ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम लिखकर कहा कि बच्ची पर रेप नहीं हुआ है। पुलिस वालों ने FIR दाखिल किया कि बच्ची पर रेप नहीं हुआ है। वो उसका डेथ सेंटेंस उसमें था, इसलिए वो लड़के जेल में गए। इसी तरह से हमारे ऊपर FIR हो रही है, हमारे FIR तक लिखी नहीं जा रही। आज आपने यहां पर फोटोज दिखाए, सारे इंटेलेक्चुअल लोगों को जो पेन चलाते हैं उन्हें जेल में रखा हुआ है, और ब्रिटिश बानों के रेपिस्ट को ये जेल से छोड़ते हैं। क्यों? इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि ब्राह्मण कभी रेप नहीं कर सकता, ब्राह्मण कभी किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता, इनका आचरण बहुत अच्छा है, इसलिए उनको छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते। आइए मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ गदर पार्टी से। गदर पार्टी को अक्सर लोग कम जानते हैं, लेकिन पंजाब के इस इलाके में यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में गदर पार्टी में लोग शामिल हुए, और गदर पार्टी ने आज़ादी के आंदोलन में
किस तरह से बाहर से एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, किस तरह से जो रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल मूवमेंट था उसमें सिख हिंदू और मुस्लिम यहाँ से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया कैलिफोर्निया तक फैले हुए थे और भारत को आज़ाद अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए ये एक तरह से पहला अंतर्राष्ट्रीय एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस मूवमेंट बना, यानी पहला साम्राज्यवाद विरोधी प्रतिरोध मूवमेंट आंदोलन के तौर पर यह स्थापित हुआ। और इसमें जो लोग गदर पार्टी जिन लोगों ने बनाई थी उन्हें बहुत भीषण यातनाएं झेलनी पड़ी, दमन झेलना पड़ा, लेकिन वे लगातार आंदोलन करते रहे। भारत को भी मुक्त कराने के लिए उनकी एक टीम भारत आई और उसके बाद जो उनकी योजना थी वह विफल रही। बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए, उनके साथ भीषण यातनाएं झेली और वो तमाम लोग जो पकड़े गए थे उनमें से जो जिंदा बचे, जो जेल में काला पानी भेजे गए थे, वे जब बाहर आए तो उन्हें गदरी बाबा कहा गया। इन्हीं गदरी बाबाओं की याद में यह मेला लगता है। या न्यानमत्ता दसना सूरज ते थकना था, सूरज जो कदे ना छिपदा है ना मरदा है ना ठरदा है, वो सूरज सी सूरज है साडा भगत सिंह। वो भगत सिंह ते ओदे वर्गे होर अनेका संगी ते साथी जो भी मिट्टी की गल करते ने, लोकां दी गल करदे ने, नवी सवेर दी गल करदे ने, ओ सदा अमर ने ते अमर रहणगे, ओना दी कलम सदा सलामत रहेगी। दोस्तों ये फोटो जो आपको दिखाई दे रही है इसमें 1938 में किसान मोर्चे के समय अमृतसर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए गए और बेड़ियों से जो जकड़े गए देशभक्त संग्रामी हैं, इसमें बाएं से संता सिंह हैं जो अमृतसर के रहने वाले थे, दर्शन सिंह केरुमान वो भी अमृतसर के, कॉमरेड फौजा सिंह, बाबा सोहन सिंह भकना और बाबा करम सिंह चीना जालंधर। इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करके भेज दिया गया था, काले पानी की सजा हुई और यहीं से जो गदरी बाबाएं हैं वह शुरू हुए, उनकी परंपरा शुरू हुई। जब लोग बाहर आए तब से गदरी बाबा का चलन शुरू हुआ। चलो चलिए नवी आवाज बढ़ के चौक च महका बंड दिए, खिड़ जाइए नी गदरी गुलाब बढ़ के। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं जनसंघ शहीद भगत सिंह का। ये मेला है पिछले 30-31 वर्ष से लगातार पंजाब के जलंधर में ये होता है, गदरी बाबियों का मेला होता है, 31वां ये मेला चल रहा है और देशभक्त यादगार कमेटी की तरफ से कराया जाता है। सालों से लगातार ये मेला चलता आ रहा है और हम आपके सामने आज बात भी रख पा रहे हैं, उसका बड़ा कारण ये मेला ही है। सबसे पहले इस मेले में आना और जहाँ पर देखना, और इस मेले में नाटक पुस्तकों और भाषणों के जरिए असल में जो जिंदगी है एक वो ग्लैमरस की जिंदगी है, हम मीडिया टीवी मोबाइल पे देख रहे हैं अलग अलग तरह पे। यहाँ पर कितने लोग हैं आज आखिरी दिन है मेले का? लगभग इधर आज 7-8 हज़ार लोग होंगे, जिसमें बड़ी गिनती में बच्चे और नौजवान है। ये मतलब कोरोना के बाद अच्छी बात देखने को ये मिली है हमें, कि बड़ी संख्या में बच्चे स्टूडेंट्स और यूथ जो है वो इधर पहुंचा हुआ है। ये यहाँ लाइब्रेरी है, भाई संतोष सिंह कीर्ति लाइब्रेरी। लंबे समय से यहाँ पर गदर पार्टी से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं वो जुटाई गई हैं, फोटोज़ हैं, पेंटिंग्स हैं, बाकी लिटरेचर है, और इस तरह से इसे जोड़ने की कोशिश की गई है किताबों के ज़रिए, सामग्रियों के ज़रिए। जो कम्युनिस्ट आंदोलन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों का जो आंदोलन रहा है, जो समाजवादी लिटरेचर रहा है पूरी दुनिया में, उसे एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास है। देशभक्त यादगार कमेटी जो गदरी बाबाओं का मेला आयोजित करती है, बाबा सोहन सिंह भकना
गदर म्यूजियम। ये तमाम वे नाम हैं, ये उन गदरी बाबाओं के नाम हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के समय अलग अलग योगदान दिया, गदर आंदोलन, गदर पार्टी का नेतृत्व किया, जान गवाई या लंबी लंबी सजाएं काला पानी में गुजारी। इस समय यहाँ एग्जीबिशन चल रही है, अलग अलग कार्टून्स हैं, पावर ऑफ गोदी मीडिया है, किसान आंदोलन के मद्देनज़र यह कार्टून है, जोर लगा के हैशा अब जीत हमारी।